नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम छठी कक्षा के लिए संस्कृत व्याकरण में संस्कृत वर्णमाला का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण की परिभाषा हिंदी में और संस्कृत में एक जैसी ही है। आइए हम सबसे पहले वर्ण की परिभाषा पढ़ते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की जो हम भाषा बोलते हैं उसकी सबसे छोटी इकाई, जिसके टुकड़े न हो सकें, हम टुकड़े ना कर सकें, उसे वर्ण कहते हैं। जैसे अ आ क ख आदि। वर्ण की परिभाषा के बाद आता है वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, या वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्ण कौन से? हमारे जो दो प्रकार के वर्ण हैं, अगर हम उनको एक साथ लें तो माला बन जाती है, उन्हीं के समूह को क्या बोलते हैं? वर्णमाला। अब आती है बात कि ये हमारे वर्ण होते कितने प्रकार के हैं। वर्णों के प्रकार, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। वर्णों के कितने प्रकार हैं? दो प्रकार हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। सबसे पहले हम स्वर वर्ण को समझेंगे। स्वर वर्ण जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। कैसे? जिन वर्णों का हम उच्चारण करते हैं उनको बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता हमें नहीं लेनी पड़ती, उसे हम क्या कहेंगे? स्वर वर्ण, या वे हमारे क्या होंगे? स्वर वर्ण। अब बात आती है कि संस्कृत भाषा में कितने वर्ण हैं। हिंदी भाषा में स्वर वर्ण 11 माने गए हैं, परंतु संस्कृत भाषा में इन स्वर वर्णों की संख्या 13 हैं, जो इस प्रकार हैं। ध्यान से देखिए, अ आ इ ई उ ऊ ए आई ओ औ रि दीर्घ रि, उसके बाद आता है लृ। ध्यान से देखें विद्यार्थियों, मैंने रेखांकित किया है इनको, रेड पेन से अंडरलाइन किया है। यही हमारे दो वर्ण हैं, स्वर वर्ण, जो संस्कृत में पढ़े जाते हैं। इसको बोलेंगे हम दीर्घ रि और ये है लृ। क्या उच्चारण होगा इसका? लृ। इस प्रकार स्वर वर्ण हमारे कितने हुए? 13। ए आ ई ई ऊ ऊ ए आई ओ औ रि दीर्घ रि तथा लृ। अब बात आती है कि ये जो स्वर वर्ण है हमारे, इतने इनके कितने प्रकार हैं? स्वर वर्ण दो प्रकार के हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व अर्थात जिन्हें हम छोटे भी बोलते हैं, छोटे वर्ण सामान्य भाषा में। ह्रस्व स्वर में कौन कौन से स्वर आएंगे? ए ई ऊ रि लृ। ये दीर्घ रि नहीं है, ये हमारी क्या है? ह्रस्व रि है। अब आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कौन से हैं? आ ई ऊ रि ए रि। कौन से? दीर्घ। उच्चारण वही होगा, लेकिन हमें सिर्फ इसमें अंतर कैसे पता चलेगा, इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख दिया जाता है। जैसे आपको दिखाई दे रहा है ये कैसे लिखी हुई है, ए आई ओ औ। ये थे हमारे
स्वरों के प्रकार। आज हम इतना ही इनका अध्ययन करेंगे। कल जो वर्ण का दूसरा प्रकार है व्यंजन वर्ण, उनके विषय में मैं आपको बताऊंगी। धन्यवाद।